सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 बड़ी खबरें। निधि को चौथी मंजिल से फेंकने वाला सुफियान फरार, हत्या और आत्महत्या दोनों पहलू पर जांच कर रही है पुलिस। बाकी बिहारी मंदिर में दर्शन समय बढ़ाने के खिलाफ याचिका, वकील ने कहा भगवान बाल स्वरूप में है, 11 घंटे तक दर्शन देने से वो थक जाएंगे। मेरठ में गंगा किनारे खुलेआम फायरिंग, 11 लोग घायल, सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए दो पक्ष भिड़े, 6 लोग अरेस्ट। पूर्व विधायक माविया अली को कुर्की नोटिस, एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 दिसंबर तक किया तलब। मुजफ्फरनगर में रालोद को झटका, अस्पा ने संभाला, मदन भैया के लिए आसान नहीं रहेगा बहारी की छवि से पार पाना। दूषित पानी से 1.5 माह की बच्ची की मौत, मेरठ के मंडी चमारन के गंदे पानी से अब तक 5 मौतें, फिलहाल टैंकर से पानी की सप्लाई। इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ी हैं, फॉरेंसिक जांच के ज्वलनशील पदार्थ से घर में आग लगाने की पुष्टि, विधायक की तलाश में फिर छापेमारी। रायबरेली में लाखों की दवा कूड़े में पड़ी मिली है, ग्रामीण बोले अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही से होती है वितरित। उन्नाव पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कहा सपा बसपा और कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी, देश में योगी और मोदी को राजनीतिक संत। अयोध्या अस्पताल में वायरल बुखार से 30% मरीज बढ़े, बच्चों और बूढ़े भी आ रहे हैं वायरल बुखार की चपेट में। लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद में पार्षदी विद्यालय की नहीं बनी है बाउंड्री वॉल, ईटा बालू परिसर में गिराने के बाद हुई वापस। उन्नाव में ट्राला के शिक्षक की बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, गंभीर रूप से घायल साथी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी नवाबाद थाना प्रभारी को कोर्ट ने किया तलब, दिन आऊंगा स्पष्टीकरण, सम्मन तमिल ना कराने का मामला। प्रयागराज में इंदिरा मैराथन को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग, कांग्रेस नेता ने पीएम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भेजा पत्र। फिरोजाबाद में 2 काट के खोखों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, पीड़ित ने आरोप लगाया कि जानबूझकर लगाई गई आग। और यह ग्राम पंचायत फूटाताल व शिवपुर के गंदगी का अंबार, शौचालय में लगा था ताला, सफाई ना होने से लोग वायरल एयर मलेरिया की चपेट में आ रहे हैं। फरखाबाद में सामुदायिक विशेष युवक ने किशोरी से मंदिर में की है छेड़छाड़, सामुदायिक विशेष के युवक ने हाथ पकड़कर मंदिर में ले गया था आरोपी। कौशाम्बी में टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां बनी पश्चिम सरीरा की पहचान, नगर पंचायत में हवाई साबित हो रहा है करोड़ों का विकास कार्य। मेरठ में एटीएस को मिली है बड़ी सफलता, एटीएस ने पीएफआई का सदस्य गिरफ्तार, एटीएस के इनपुट के आधार पर पुलिस ने पकड़ा। कुशीनगर में रास्ते के विवाद को सुलझाने पहुंचे राज्य मंत्री, कानून की प्रक्रिया की सलाह पर ईओ ने कहा निकम्मा और विकास में बाधक।
बिजनौर में कई दिनों से दिखाई दे रहा है गुलदार, ग्रामीण खेतों में काम करने से कतरा रहे हैं लोगों में दहशत। सहारनपुर में बंद गुर्जरों के डेरे में लगी है 3 झोपड़ियों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सुल्तानपुर में भूमाफियाओं ने रात भर में ढहा दिए दीवार, पीड़ित बोला तालाब और कब्रिस्तान पर किया गया कब्जा, हमारी प्रॉपर्टी पर निगाह। प्रयागराज में बाहुबली अतीक के भाई पर पुलिस ने की है कसा है शिकंजा, पूर्व विधायक अशरफ की 14 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। रायबरेली में खेत पर पहुंचा अजगर, ग्रामीणों ने रात को गांव में घूमने से रोका, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पकड़ा। मुख्तार अंसारी की पत्नी आशवा अंसारी के घर नंदगंज पुलिस ने किया है नोटिस चस्पा, सैदवाड़ा स्थित उनके आवास पर किया गया चस्पा। लखनऊ के हुसैनगंज चौराहा स्थित ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आग पर पाया काबू। इंडोनेशिया ने भारत को G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी, पीएम मोदी बाली से स्वदेश पहुंचे। बुलंदशहर में श्रद्धा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, शहीद चौक पर किया जोरदार प्रदर्शन। गाजीपुर में तहसील प्रशासन ने आइस फैक्ट्री को किया सीज, 7.40 लाख का बिजली बिल बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई। अलीगढ़ में व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना का माल बरामद कर पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को किया गिरफ्तार। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर अमेठी जिले का स्टेशन और जगदीशपुर रेलवे स्टेशन का हुआ रिलैक्सेशन, अंतर्राष्ट्रीय सुविधा के रूप में होगा विकास। औरैया में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। अलीगढ़ में एएमयू के नदीम तरीन हॉस्टल के इंजीनियरिंग के छात्र ने क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ विवाद, एक छात्र गंभीर रूप से घायल। फरुखाबाद में सीएमओ ने पोस्टमार्टम हाउस का किया निरीक्षण, एम्बुलेंस चालक की दिखी मनमानी, सीएमओ ने चालक के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। गाजीपुर में सांसद वीरेंद्र सिंह ने कार्यों की मांगी पूरी जानकारी, सांसद के पत्र पर लिखा पंचायत परिषद में हड़कंप। गाजियाबाद में फिर बदनाम हुई खाकी पुलिस की, अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरदोई में कपड़ों और साड़ियों के शोरूम में सांस अटके से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। गाजियाबाद के डसना जेल में 140 बंदियों में एचआईवी की पुष्टि, 5,500 बंदियों में से 140 में हुई है एचआईवी पॉजिटिव। हरदोई में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार पकड़ा जोर पर है, रात के अंधेरे में बेखौफ खनन माफिया कर रहे हैं मिट्टी खनन। कासगंज में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत सपा नेता अहमद नफीस की अचल संपत्तियों को किया गया जब्त। हरदोई में दुकान से चोरी करते महिला सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, महिला के कॉस्मेटिक दुकान पर चोरी का वीडियो वायरल।
लखीमपुर खीरी में गन्ना सेंटर पर किसान का पर किया गया जानलेवा हमला। पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने किया हमला, जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में अमृत योजना के गड्ढे ने लिए छात्र की जान, सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद शहर में लोगों ने लगाया जाम। लखनऊ में बिजली विभाग कर्मियों ने कामकाज किया ठप, बिजली विभाग के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य सामूहिक सत्याग्रह में हुए सम्मिलित। रायबरेली में महिलाओं को दी जाने वाली आयरन की गोलियां नहर में पड़ी मिली हैं, सरकारी अस्पतालों की है दवाएं। रामपुर में भाजपा के प्रत्याशी ने किया नामांकन, आकाश सक्सेना के नामांकन में मुख्तार अब्बास नकवी रहे मौजूद। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से झूलती हुई मिली है युवती, एक हफ्ते में होने वाली थी उसकी शादी, घर में पसरा सन्नाटा। अलीगढ़ के बुद्ध विहार डिपो में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है संविदा कर्मियों का शव, परिजनों ने लगाए हत्या का आरोप। रायबरेली में प्रधान के निवास बनाने के बहाने बुलाकर महिला के साथ किया दुष्कर्म, महिला ने न्याय के लिए उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया। बुलंदशहर में अवैध शराब के काले खेल का हुआ है खुलासा, आबकारी विभाग की टीम ने भारी मात्रा में पकड़ी कच्ची शराब और लहन। चंदौली में बच्चों से भरी बस पलटने से 10 से अधिक बच्चों के साथ एक अध्यापिका बुरी तरह से घायल, बबुरी थाना क्षेत्र का मामला है ये। गोंडा बस स्टॉप के पास हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, मानसिक रूप से असंतुलित महिला ने मचाया उत्पात, महिला ने आम जनमानस पर किया हमला। बेवफा महिला कांस्टेबल की बेवफाई में दरोगा अनूप सिंह की हुई थी मौत, महिला कांस्टेबल का वीडियो अब हो रहा है वायरल। मुजफ्फरनगर में 2 दिन में जयंत करेंगे 21 नुक्कड़ सभा, खतौली सीट पर प्रत्याशी मदन भैया के समर्थन में रालोद मुखिया डालेंगे डेरा। अखिलेश और डिंपल शिवपाल के घर पहुंचे, बंद कमरे में 1 घंटे तक हुई चाचा से बात, नामांकन में नहीं गए थे। मंदिर में मूर्ति खंडित करने वाला आरोपी गिरफ्तार, शामली में नशे में परिजनों से मारपीट के बाद मंदिर में की थी तोड़फोड़। रायबरेली फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे एक्टर गौरव कुमार, फिल्म में शंकर डॉन के किरदार में आएंगे नजर, कई फिल्मों में कर चुके हैं काम। शाहजहांपुर में मुठभेड़ के बाद गिड़गिड़ाए बदमाश, बोले पुलिस पर गलती से गोली चल गई, माफ कर दो साहब। ललितपुर में पूर्व राज्य मंत्री पूरन सिंह बुंदेला के खिलाफ केस दर्ज, प्रतिबंधित पेड़ काटने का मामला, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बुंदेला ने की थी शिकायत। फतेहपुर में खागा में करंट से युवक की मौत, ससुराल जाने के लिए कपड़ा प्रेस करते समय हुआ हादसा, 6 महीने पहले हुई थी शादी। बहराइच में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मासूम की मौत, परिजनों में जमकर किया हंगामा, कहा डॉक्टर इलाज के नाम पर ऐंठ रहे थे पैसा। औरैया में कटे फटे होंठ वाले बच्चों के शिविर का आयोजन, 8 बच्चों को सर्जरी के लिए भेजा गया कानपुर, निशुल्क होगा इलाज। महोबा में दूसरी बेटी पैदा होने पर महिला को घर से निकाला, 2 बेटियों को लेकर 3 महीने से पुलिस अफसरों
के दफ्तर के चक्कर काट रही थी पीड़िता। निजी अस्पतालों में पार्किंग नहीं होने से यातायात व्यवस्था बदहाल। मऊ में नगर पालिका के साथ जिला प्रशासन मौन। अलीगढ़ में जिला अस्पताल में डॉक्टरों के अभाव के चलते मरीजों को नहीं मिल रहा है उपचार। डेंगू के मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं डॉक्टर। मुजफ्फरनगर में ब्रिजेश पाठक बोले, गुंडे और माफियाओं का जमकर चला गया। खतौली पहुंचे डिप्टी सीएम ने गुंडे माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात दोहराई। प्रेमी के दोस्तों ने युवती से किया सामूहिक दुष्कर्म। फिरोजाबाद प्रेमी ने फोन कर मार देने जाने की बात कही। बचाने के लिए दोस्तों के पास गई थी युवती। हमीरपुर में बेटे के न्याय के लिए एसपी से मिली मां बाप। कहा, एफआईआर के बाद भी हत्या आरोपियों ने नहीं हुई गिरफ्तारी। माने की दे रहे धमकी। अमेठी में अवैध खनन के अड्डे पर पुलिस ने की छापेमारी। एक जेसीबी बरामद। अंधेरे का फायदा उठाकर खननकर्ता कई ट्रैक्टर लेकर भागे। बिजनौर में नशे के विरुद्ध चलाया जा रहा है नया सवेरा अभियान। अभियान में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर के संचालक को किया गिरफ्तार। चंदौली में पुलिस टीम को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 462 ग्राम हीरोइन के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। झांसी में शादी से पहले युवक की मौत। पिता बोले, मंगेतर ने करवाई थी हत्या। 22 दिन पहले सड़क किनारे घायल अवस्था में मिला था। जालौन में तालाब में मिला युवक का शव। परिजन बोले, खेत जाने की बात कहकर घर से निकला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। उन्नाव में युवक का पेड़ से लटकता हुआ मिला है शव। 2 हफ्ते से लापता था। भाई बोला, सुसाइड नोट में बीमारी से परेशान होने की लिखी बात। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।